बोल बद्री विशाल की जय, धारी देवी की जय। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, आगे जो टेम्पो है ये वाला और ट्रक का एक्सीडेंट हो चुका है। सो गाइस मौसम एकदम बदल चुका है यार, ये देखो एकदम फॉग फॉग हो गई चारों तरफ। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग, और ये वाला व्लॉग जो है ये सीरीज की स्टार्टिंग है, और हम लोग जा रहे हैं गाइस बद्रीनाथ। एंड फिलहाल अभी कितना टाइम हो रहा है देवांश, ढाई बज गए या तीन? तीन बजने वाले हैं गाइस अभी, और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और होपफुली पहुंच जाना चाहिए हमको टाइम से, बट ऐसे कोई जल्दी नहीं है। आराम से पहला मतलब हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह होते हुए ये हमारा रूट रहेगा, हरिद्वार ऋषिकेश, उसके बाद देवप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से हम लोग ऐसे लास्ट टाइम तुंगनाथ की तरफ गए थे ऊखीमठ होते हुए, इस बार हम लोग रुद्रप्रयाग से राइट जाएंगे और फिर वहाँ से जोशीमठ होते हुए फिर हम लोग पहुँचेंगे बद्रीनाथ। तो बहुत एक्साइटिंग है वाली सीरीज रहने वाली है, हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट है। देवांश आपको एक्साइटमेंट कितना कितना ज़्यादा? देवांश तो गाइस गया हुआ है बट मैं पहली बार जा रहा हूँ, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, मतलब वसुधारा ट्रैक भी हम लोग करेंगे और माइनस में टेम्परेचर वहाँ पर -5 के अराउंड है। और बने रही है ब्लॉग के एंड तक, बिकॉज बहुत एक्साइटिंग वाला ब्लॉग रहने वाला है, पूरी सीरीज होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा हाईवे। चेक कर लगाएंगे, बोल बद्री विशाल की जय, धारी देवी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो चलो गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा हाईवे पे। फिलहाल अभी हम लोग मेरठ एक्सप्रेस वे पे, और पोल्यूशन बाहर आप देख ही सकते हो यार कितना है। बाकी ट्रैफिक तो ऑलमोस्ट नाके बराबर है इस टाइम, तो मतलब क्या ही ट्रैफिक मिलेगा, इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो बस अभी चलते हैं और आपको अपडेट्स में देते रहूँगा जैसे भी होता है, और ये वाला ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा मैं, बिकॉज इसको मैं काफ़ी ज़्यादा सीरीज में मैं बनाने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना मिस करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऊपर दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और बाकी वैसे भी चल रही है जर्नी, अच्छी चल रही है अपनी। अपनी जर्नी का पहला टोल आ चुका है, मेरठ एक्सप्रेस वे का है, मेरठ पहुंच चुके हैं हम लोग। लेकिन इस बार मेरठ एक्सप्रेस में बहुत गंदगी मिली। हाँ, बहुत आई थिंक कोई ट्रक वगैरह था, वो बहुत गार्बेज का शायद ट्रक था, सारे में गार्बेज हो रहा था, तो मतलब थोड़ा सा ड्राइव करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बिकॉज वो कचरा फैला हुआ था सारे रास्ते में, बट एनीवेज ठीक था। तो बाकी बस यहाँ पे ये बैरियर ऊपर क्यों नहीं हो रहा भाई। मेरठ क्रॉस करके रुके हैं एक छोटे से पी ब्रेक के लिए, पी डब्ल्यू वाला पी ब्रेक, और अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। और अब हम हैं कलियर शरीफ, हरिद्वार से बिल्कुल पहले, सुबह के करीब 5:15 बज रहे हैं। हमने अपनी यात्रा शुरू की थी 2:30 बजे। ये सामने जो बोर्ड है, हरिद्वार 20 किलोमीटर, ऋषिकेश 41, देहरादून 74 किलोमीटर। हमें जाना है बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल। सो गाइस फिलहाल अभी हरिद्वार पहुंच चुके हैं, हरिद्वार का टोल है ये, और रास्ते में यार बहुत ज़्यादा अपन को फॉग मिली थी, मतलब इतनी ज़्यादा कि यार 30-40 की स्पीड से ऊपर गाड़ी चल नहीं पा रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो विजिबिलिटी थी ऑलमोस्ट। तो मतलब फॉग अभी स्टार्ट हो गई है, हालांकि दिल्ली नोएडा साइड में तो नहीं होती इतनी, अभी पोल्यूशन ही ज़्यादा होता है, बट फॉग यहाँ पे बहुत है यार।
गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं हरिद्वार हर की पौड़ी और टाइम हो रहा है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो गाइस 5:50 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लग गए हमको यहाँ पहुँचने में। ठीक है, मतलब इतना टाइम तो ठीक है, कभी मतलब ऐसे फॉग नहीं होती जब भी इतना टाइम लगता ही है। सो गाइस हमारे सामने को छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, आगे जो टेम्पो है ये वाला और ट्रक का एक्सीडेंट हो चुका है, इस वजह से जाम लग गया है भाई, रोड ब्लॉक हो रही है, बड़ा वाला ट्रक निकल नहीं आ रहा, इसके पीछे हम फंसे हुए हैं। ये देखो बैक ले रहा है, वो ट्रक बैक नहीं ले रहा, वो बैक ले ले तो हो जाएगा काम। आ आ आ अटका हुआ है, फंस गए हम एक दूसरे से, अब हो जाएगा अब आई थिंक क्लियर हुआ है। फिलहाल अभी हम लोग हरिद्वार में हैं, इधर छोटा सा एक ब्रेक लेने के लिए रुके थे भाई। बाहर तो यार बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है, मैंने ये देखो मोटा एक स्वेटशर्ट पहन रखी है, बट भाई बहुत ठंड लग रही है। सो गाइस फिलहाल अभी हरिद्वार से तो निकल चुके हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं अभी ऋषिकेश की ओर, और फिलहाल अभी राजा जी नेशनल पार्क में से निकल रहे हैं हम लोग। बहुत चारों तरफ मतलब दोनों तरफ काफ़ी ग्रीनरी है और भाई ठंड बहुत ज़्यादा है यार, मतलब जितनी एक्सपेक्ट करी थी हरिद्वार में तो एटलीस्ट इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, उससे काफ़ी ज़्यादा है। एंड फॉग हमें रास्ते में काफ़ी मिला था, यहाँ पर भी काफ़ी हो रहा है फॉग। सो गाइस फाइनली ऋषिकेश भी अपना क्रॉस हो चुका है और फाइनली पहाड़ शुरू हो चुके हैं, और ऋषिकेश के हम एकदम बैक साइड से आए थे मुनी की रेती की तरफ से, और ये देखो यार सामने ट्रक है, कितना पोल्यूशन कर रहा है यार ये। फिलहाल अभी हम लोग देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं, ठंड बहुत हो गई है गाइस, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हम लोगों ने जैकेट निकाल ली है, और पीछे अगर आप देख पा रहे हैं वैली में पूरा बादल ही बादल है, और भाई मौसम बहुत जल्दी बदल रहा है अभी, मौसम बहुत जल्दी 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 बदल रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा बादल आ चुके हैं और ठंड तो भाई बहुत, जैकेट मैंने पहन लिया उसके बाद भी ठंड लग रही है। ये देखो गाइस बादल ही बादल हो रहे हैं, जैकेट बहुत ठंड हो रही है यार। ये देखो गाइस उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ बादलों में ढके हुए, और अब हम पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग। कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जी हाँ संगम नगरी देवप्रयाग, और देवांश बहुत एक्साइटेड है एंड भाई यहाँ का मौसम चेकआउट कर रहा है, थोड़ा सही मतलब मौसम हो रहा है। बीसवीं बार मैं तो दूसरी बार ही आ रहा हूँ, और सामने जो आप ये देख पा रहे हैं गाइस ये है रघुनाथ जी का मंदिर, और मेन संगम है इधर, ये भागीरथी नदी है और वहाँ से आ रही है अलकनंदा नदी, तो अभी हम आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। फिलहाल हम इस वाले ब्रिज से वहाँ से क्रॉस करके जाएंगे, और ये जो आप पूरा मार्केट देख रहे हैं ये देखो यहाँ से पूरा, बस ये पूरा मार्केट मिठाइयों का है बस।
पूरा यहाँ से होते 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 वहाँ नीचे जाएंगे, वहाँ जाना है हमें वहाँ कहीं। तो अभी चलो चलते हैं और दिखाते हैं भाई, बहुत ही भाई बहुत ही फ्रेश पानी है यहाँ का एकदम, मतलब जो ग्लेशियर से निकल के आता है वो पानी है। सो गाइस अभी हम लोग इस पुल को क्रॉस करके जाएंगे उस साइड, और ये देखो भाई कुछ इस तरह का ये, और यहाँ से यार ये भागीरथी नदी का फ्लो देखो यार कितना मस्त है, और यहाँ पे गाय वगैरह भी बैठी हैं भाई, बहुत सही लग रहा है यार। फ्लो देखो यार, ये है संगम वहाँ पर, ये देखो ये यहाँ लोग आपको नहाते हुए दिख रहे हैं, ये संगम है, ये इस साइड से वो दिख रही है वो भागीरथी नदी है, उस साइड से अलकनंदा नदी आ रही है वो। तो अभी चलो चलते हैं एंड स्नान वगैरह करते हैं। बाकी यार फ्लो आप देखो भाई कितना ज़बरदस्त है यार यहाँ पे, ये देखो यार जस्ट अमेजिंग यार, ये भागीरथी नदी है और उधर से अलकनंदा नदी आके मिलती है वो लेफ्ट साइड से भाई, बहुत ही अमेजिंग है यार। ये देखो गाइस ये है भागीरथी नदी, वो वाला ब्रिज क्रॉस करके हम पूरा आए थे, और ये यहाँ के अलकनंदा नदी में मिल जाती है, और आगे फिर ये गंगा नदी कहलाती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं गंगा माँ का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो यहीं पर ही है देवप्रयाग में ही। और ये जो देखिए आपको ये अलकनंदा नदी है इसका फ्लो काफ़ी शांत है। स्नान चलते हैं, स्नान करते हैं। सो गाइज फिलहाल स्नान तो कर लिया है यार, और पानी बहुत ठंडा था नो डाउट, बट स्नान करने के बाद सारी ठंड और सारी थकान मिट चुकी है अपनी। चलो यार करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड, एंड अभी हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आगे अपन को पड़ेगा श्रीनगर, उसके बाद पड़ेगा अपन को धारी देवी माता का मंदिर, एंड फिर वहाँ से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, फिर बद्रीनाथ पहुँचेंगे। तो लेट्स सी आज शाम तक पहुंच पाते हैं नहीं, या फिर कहीं बीच में स्टे करना पड़ता है। तो जैसा भी होगा मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में अपडेट देता रहूँगा। तो चलो करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कल मिलते हैं ऐसे एक नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।